इसलिए सो आइए बेटे स्टार्ट करें। हमारे पास कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटे आपने कहीं बेटे जरूर देखा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म, आपने मे बी डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ी होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो पढ़ी होगी जरूर। तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म है, ऑल टुगेदर न्यू टर्म है ये आपका। इसमें इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक बेटा प्लेनेट है, आप इसको अर्थ भी अज्यूम कर सकते हो, लेट इट बी द अर्थ बेटा। पहले समझ लीजिएगा, आपको दो मिनट बाद में दे देता हूं। आप इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो हैविंग मास से स्मॉल एम बेटा, कोई भी आपके पास मे बी छोटे साइज का और प्लेनेट हो या सैटेलाइट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, और इसका डिस्टेंस बेटे अर्थ के सेंटर से जो है लेट इट बी बेटे एक्स मीटर्स, रेडियस के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा डिस्टेंस है, और आप इसको फ्रॉम द पॉइंट पी अप टू द पॉइंट क्यू थ्रू ए डिस्टेंस बी एक्स बेटा आगे शिफ्ट कर देते हैं, इस तरफ नहीं लेके आ रहे हो आप इसको, अवे फ्रॉम द अर्थ बेटा डिस्प्लेस कर रहे हो, और आपने इसको बाई ए डिस्टेंस बी एक्स पी से क्यू तक डिस्प्लेस किया, और आप फर्दर मोर बेटे जब इसको डिस्प्लेस कर रहे हो आपको कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रेजेंटली एट पॉइंट पी अगर हम बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू जी एम, इसका मास हम ले लेते हैं स्मॉल एम, आपने उसको बोला ही हुआ है, डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर आ गया जी बेटे। आप देखिए पी से क्यू तक डिस्प्लेस कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस है, आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, और ये जो छोटा सा वर्क डन है इट विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर होगा बेटा। अब और ध्यान से सोचने वाली बात ये है कि इस अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स तो बेटे इस तरफ डायरेक्टेड है, एफ आपका इस तरफ है, लेकिन आप मूव उससे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, और आपका एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री का बन रहा है। तो आप इसको बेटे डी डब्ल्यू को फिर एफ डी एक्स एंड कॉस ऑफ एंगल 180 कह लीजिए, इट विल बी देयर, और कॉस 180 बेटे नेगेटिव ऑफ 1 होता है माइनस 1 होता है, और अगर आपका कॉस 180 की वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्रेशन ये वाला आपका शेप ले लेता है, और बेटे आप इसको ये डी एक्स को लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लीजिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स आपका माइनस एफ आ गया बेटा, और आप ऐसे भी कह सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ योर अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट अबाउट विच यू आर टॉकिंग बेटे। सो आप इसको बेटे बी बी से डिनोट कर सकते हो, और ये डी वी अपॉन डी एक्स आप कह सकते हैं, अगर आपका ये यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है, अगर एम मास का है तो फिर आपका ये डी ई आएगा, एनर्जी आएगा, अगर आप एम को डियर चिल्ड्रन वन यूनिट मास अज्यूम कर लेते हो तो वन यूनिट मास के लिए ये आपका वन हो जाएगा, और ऑब्वियसली आपका ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव टर्म है आपका दिस इज कॉल्ड बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक चीज और नोट करने वाली है, आप लोगों ने कल इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड को भी डिस्कस किया था, और आपने कहा था कि अगर मास इस ऑब्जेक्ट का बेटे यूनिटी होगा तो आपका एफ बेटे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर था, कुछ ऐसा हमने किया था, तो आप इसको इसके साथ रिप्लेस भी कर सकते हो।
आप ये भी कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, या आप इसको भी रख लीजिए, और हो सकता है कि कहीं पे आपकी बुक्स में ये dx की जगह पर dr हो, देख के घबराना नहीं है। उस केस में उन्होंने इसको x को r लिया होगा और dx को बच्चों dr ले लेंगे और आपका रिलेशनशिप अकॉर्डिंगली dr की फॉर्म में आ जाएगा। राइट बेटे, मैंने dx इसलिए रखा क्योंकि हमने कल dx के साथ सारा डील किया था, तो फिर बार बार कंफ्यूजन ना हो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसको x की टर्म्स में लिख दिया। सो एक बार फिर से बेटे मैं ब्रीफली रिपीट कर देता हूं, अर्थ है या कोई भी आपका प्लेनेट है, आपका ऑब्जेक्ट इस पी पॉइंट पे पड़ा है, आप इसको बाई ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स डिस्प्लेस कर रहे हो, और आपको बिकॉज आप ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन है दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू को वन पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें ये वाली चीज जो है आपकी, इसको बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कह देते हैं। तो अदरवाइज अगर आपको कहीं पे इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेडियंट है जी, हाँ 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 cos 180 के लिए बेटा देखो आपके ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लग रहा है अर्थ की वजह से, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ना उसको, और आप उसको लेके इधर जा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में इसीलिए एंगल 180 डिग्री का बना है, एंटी पैरेलल दोनों मूव कर रहे हैं, फोर्स इधर है मूव उधर कर रहे हो, राइट है जी। हाँ हाँ डी डब्ल्यू बेटा आपका जो है, आप कल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे थे आप, और आपने कहा था कि आपका जितना भी वर्क डन है इन्फिनिटी से रेस्पेक्टिव पॉइंट तक लेके आने के लिए, दैट इज स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब आप क्योंकि इतना चेंज कर रहे हो सिर्फ डिस्टेंस बेटा, आपके पोटेंशियल में भी तो चेंज चाहिए, अगर यहाँ पे वी वन है यहाँ पे थोड़ा सा अगर भी चेंज कर जाएगा तो मे बी वी वन डैश आ जाएगा, वो जो चेंज है दैट इज चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसको हमने डी वी से डिनोट किया। और आप ये भी अगर अदरवाइज समझने की बात है, आप ये कह लो कि यहां से यहां तक आपको डी वी वर्क के बराबर का डी वी चेंज के बराबर का वर्क करना पड़ गया, आप ऐसे भी कह सकते हो। अरे डॉट को हटा दिया पुत्र, क्या करते हो आप, आपने वेक्टर और स्केल करा हुआ है ना, एक बार आज जाके दोबारा पढ़ना ठीक है। बेटे ये बात तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, cos 180 कितना होता है, तो इसीलिए एक बार आज जाकर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों पढ़ना, कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना ठीक है। तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, अभी थोड़ी कमी है ठीक है। चलो बच्चों आगे चले आप, हाँ एफ इंटू एफ इक्वल टू यू ई क्यू आ गया, ये कह रहे हो आप ना बेटे। कल आपने एक बात की थी इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड की बेटे, और आपने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट मास होता है, कहीं लिखा हुआ होगा चेक करिएगा जरा, एफ अपॉन एम हमने किया था, और बेटे एफ आपके पास था जी एम एम अपॉन, कल हमने आर स्केयर या एक्स स्केयर कुछ कहा होगा, इसको आप बेटे जरा ध्यान दीजिएगा, आपका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, वैभव और आपका वंश इकट्ठा इकट्ठा नाम है ना, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। इसको एम को इसके लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लिया, एफ अपॉन एम आ जाएगा जी जी एम अपॉन आर स्केयर या एक्स स्केयर जो भी आप लिखते हैं, इसी को तो आपने ही बोला था, मिला गुड। चले आगे जी, इसके बाद बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, और ये आपका सैटेलाइट्स के साथ
रिलेटेड सारे का सारा डियर चिल्ड्रन कंसेप्ट है। आइए देखें इसके बारे में, सोचें हमारा इस्केप स्पीड या इस्केप वेलोसिटी क्या है, और हम बेटा इस्केप वेलोसिटी आप लोगों ने, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा आपका, एक मिनट ले रहा हूं, एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जब हम छोटे होते थे महाभारत बहुत देखते थे, उस टाइम पे नया नया सीरियल चला था। आजकल आप देखते हैं कि नहीं देखते, आई डोंट नो आपके पास टाइम है कि नहीं है। तो आजकल वो जो महाभारत के कैरेक्टर्स हैं वो भी बदल गए हैं, वो थोड़े अब दुबले पतले हैं, पहले वो तगड़े तगड़े होते थे हमारे टाइम पे, अब वो नहीं है। उस टाइम पे जो भीम का रोल प्ले करते थे, उस टाइम पे जब हम छोटे छोटे थे, चौथी पांचवी में पढ़ते थे, तो उन्होंने एक सीन आया कि उन्होंने हाथियों को पकड़ पकड़ कर ना अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और वो वापिस ही नहीं आए, गिरे ही नहीं। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गए, बाहर निकल गए, इसलिए नहीं वापस आए। हमें उस टाइम पे इस बात का नहीं पता था, हम बड़े खुश होते थे कि बड़े तगड़े हैं भीम और वो किस तरीके से देखो उठा उठा कर सबको फेंक रहे हैं, तो हमें भी ऐसे बनना है, समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है बच्चों के मन में, आपके मन में भी होगा किसी को देखे कि ये ही बड़े अच्छे लगते हैं, हम इनके जैसा बने। तो मे भी आपके कोई टीचर हो या मे भी कोई आपका और रोल मॉडल हो। तो वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है, अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी चीज को थ्रो करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप ये मॉर्निंग टाइम आप देखते भी हैं, बच्चे स्टेज के पास खेलते होते थे ये COVID-19 से पहले, वो बॉल ऊपर को फेंकते हैं, वो बॉल जाती है फिर वापस आ जाती है, दूसरा बच्चा कहता नहीं तेरे से काम हुआ मैं और करता हूँ, वो और जोर से मारते हैं फिर वापस फिर आ जाती है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ लिमिट है वेलोसिटी का, उससे कम वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे, तो अर्थ उसको वापस अपनी तरफ पुल कर लेती है, खींच लेती है। और वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हो जैसे भीम जी ने किया, वो वापस नहीं आए, तो वो आपकी अर्थ का सैटेलाइट बन जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाता है। इस केस में एस्केप वेलोसिटी जो है बेटा, ये मिनिमम वेलोसिटी है जिसके साथ आप अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को, मे बी द पीस ऑफ चॉक है, मे बी बिग एलिफेंट है, या कोई सैटेलाइट भी आजकल लॉन्च करते हैं रॉकेट की हेल्प के साथ, आप इन चीजों को अर्थ के सरफेस से लॉन्च कर दें या प्रोजेक्ट कर दें उस मिनिमम वेलोसिटी के साथ, ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाए, तो बेटे हम उसको बोल देते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। हमारे अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब है यहां से करीब करीब आउटर फगवाड़ा, आउटर इधर वाला जो शहर शुरू होता है, करीब करीब वहां तक पीएपी से, आप पीएपी पे खड़े हो, आपने वहां से एक स्टोन पकड़ा, उसको जोर से फेंका, तो एक सेकंड में फगवाड़े पहुंच गया ये मान लो, तो वो आपका अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाता है। काफी ज्यादा स्पीड है, इतना वैसे प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल लगता है, और ये चीजें इतनी स्पीड अटेन करने के लिए 3-stage रॉकेट जो है ये यूज किए जाते हैं, और रॉकेट भी इंस्टेंटली इतनी स्पीड प्रोवाइड नहीं करता है, पहले फर्स्ट स्टेज में वो बर्न करेगा, फिर सेकंड स्टेज में, और फाइनल स्टेजेस में जाकर उसकी स्पीड इतनी हो जाया करती है। तो अकॉर्डिंगली हमारा बेटे, ये सारी कहानी का मतलब ये है कि कुछ मिनिमम स्पीड है, कुछ मिनिमम वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी के साथ आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करना है, ताकि वो वापस अर्थ के सरफेस पे ना गिरे, उसको हम बोल देते हैं इसके वेलोसिटी। हमारे अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में है, और आपका सोलर सिस्टम का सेंटर सन जो है, सन के लिए ये करीब करीब बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं होगा, 820 किलोमीटर पर सेकंड। अगर कोई बंदा सन पे हो, वैसे तो नहीं होगा, वहां से वो कोई चीज थ्रो करे
और वो 820 किलोमीटर एक सेकंड में चली जाए तो वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर जाएगी। एंड लाइट इज वन ऑफ दीज पार्टिकल्स। लाइट को आप पार्टिकल और वेव भी कहते हो ना बेटा। लाइट आपके अर्थ की सॉरी सन की सरफेस से स्केप करके ही पहुंच रही है यहाँ पे। तो आप ये वैल्यू, मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूंगा, आप सन का रेडियस पुट करके आपको वो वैल्यू मिल भी जाएगी। आइए देखते हैं बेटा। स्केप वेलोसिटी जो है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए प्लेनेट। आप अर्थ भी लिख सकते हो, सच दैट इट स्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट प्लेनेट। अर्थ के लिए बच्चों हमारा जो स्केप वेलोसिटी है वीई से बेटे डिनोट करेंगे, ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ये याद रख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, बार बार काम आएगा आपके। अब आइए बेटे मैं आपको ये सारे का सारा निकाल के भी बता दूं, फ्रैक्शन भी डिराइव कर दूं। इमेजिन करिएगा ये आपका अपना प्लेनेट बेटे अर्थ है, और अर्थ का रेडियस आप जानते हैं 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर्स। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे आपने एक सैटेलाइट लॉन्च करना है रॉकेट की हेल्प के साथ, या अदरवाइज आपने इसको स्केप करवाना है। और आप इसको बेटे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये जाते 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 इस पी पॉइंट पे पहुंच गया, और पी पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है, डियर चिल्ड्रन, लेट इट बी एक्स। जो चीज को आप बेटे थ्रो करना चाहते हो, इसका मास स्मॉल एम मान लीजिए, ठीक है जी। आप पी से मान लीजिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा पहले बाई ट्रेवलिंग ये स्मॉल डिस्टेंस वी एक्स, और फिर ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो अपने आप आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर जाएगा। हाँ जी, ये पुल ऑफ दैट प्लेनेट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बीई एस्केप वेलोसिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस चौक को थ्रो करके इसको सैटेलाइट बना दें, तो आपको इतनी स्पीड से इसको थ्रो करना पड़ेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है जी। वो बात कर रहे हैं, बस 2 मिनट दो मुझे, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। ये रब कर दूं डेफिनेशन बच्चों, अब देखो ध्यान से देखिएगा। जब आपका स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे है, इस और इस अर्थ के बीच में, अर्थ का मास कैपिटल एम ले लेते हैं, आपका बेटे देखो इतना अट्रैक्टिव फोर्स है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर का है ना, इतना है। अर्थ इसको इतनी फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एफ आपका कम होता जाएगा, ठीक है जी। अब क्या हुआ, आप अर्थ की इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए इसके बराबर की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, तभी ये बाहर जाएगा ना। अर्थ तो उसको खींच रही है अपनी तरफ, ताकि ये अपनी जर्नी कॉन्टिन्यूड रखे इस डायरेक्शन में, आपको मिनिमम इसके बराबर फोर्स आउटवर्ड लगाना पड़ेगा। और आप कितना काम करोगे, एफ डी एक्स के बराबर, या आप करोगे या आपकी जगह पे रॉकेट करेगा। हम तो नहीं कर सकते, रॉकेट ही करेगा, रॉकेट में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना बेटा।
फिर से ध्यान दीजिएगा, अर्थ ने तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही करना है ग्रेविटी की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ऊपर ले जाएं, आपको इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और इतना पॉजिटिव वर्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आपके बिहाफ पे रॉकेट करेगा, आप रॉकेट को एनर्जाइज करोगे, उसमें फ्यूल डालोगे, अल्टीमेटली आपको ही काम करना पड़ा। ठीक है जी, आपका फ्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आएगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम ही काम कर रहे हैं अल्टीमेटली। सो ये वर्क डन आपका जो है, इट विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर का आपका वर्क जो है ये आ गया। आप इसको लेकिन थ्रू ए डिस्टेंस बेटा इक्वल टू इंफिनिटी एस्केप करवाना चाहते हैं, आपका टोटल वर्क डन जो बच्चों हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू कर दिया जाएगा जी, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों लिमिट क्या लगाऊं, लिमिट हाँ बताओ बताओ बताओ, एक्स से, लेकिन आप यहां से थोड़ी लेके जा रहे हो, आप तो यहां से लेके जा रहे हो, आर से इंफिनिटी। यस, आर से लेकर इंफिनिटी तक आ गया जी। तो डियर चिल्ड्रन, आपको यहाँ आपकी बिहाफ पे रॉकेट को कितना वर्क करना पड़ा, एक्स की पावर -2 dx आर से इंफिनिटी, एंड दिस वर्क डन विल बी जी एम एम -1 by x बेटा 0 सॉरी आर से इंफिनिटी, एंड ये आ जाएगा जी एम एम नेगेटिव साइन साथ में 1 by infinity -1 by r आया जी। बोलते नहीं आप लोग, आया कि नहीं आया? नहीं, ऐसे नहीं बेटे, आपको साथ लेके चल रहे हैं, बताइए आप आया नहीं आया तो लेके आएंगे। अरे लिमिट्स ही पुट की है, पहले अपर फिर लोअर, साइन बार ले गया मैं। डन, चलिए देन आगे। तो वर्क डन आपके पास बच्चों, ये नेगेटिव साइन एस एच मैंने लिखा, जी एम एम 1 by infinity कितना होता है 0, तो ये -1 by r रह गया बाकी। तो ये वर्क डन आपके पास आ गया जी एम एम अपॉन r, आपको इतना पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है ताकि आपका जो सैटेलाइट है ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ को एस्केप कर जाए। ठीक, अब बेटे ये वर्क डन होगा कैसे, किसकी कॉस्ट पे आएगा? आपका ये रॉकेट है या ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, आप इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसी उसी की कॉस्ट पे ये वर्क होगा ना बेटा। अब आप बैठे बिठाए तो वर्क हो नहीं जाएगा, आप कहोगे नहीं भी रॉकेट भी चल भाई चल जा, तो उसकी वेलोसिटी होगी तो तभी चलेगा, बिना वेलोसिटी के तो नहीं चलेगा। सो आई जस्ट मीन टू से दैट बेटा, आपके रॉकेट की या आपके ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv², यही इस वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, अपने आप तो वर्क नहीं होगा ना बेटा। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, ये आपका एस्केप वेलोसिटी है, मास इनटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर जी एम एम अपॉन बड़े वाला आर। समझ आई बात कि नहीं? बता दिया करो जरा, ऑल वेल। ये देखिए, ये आपका कट गया स्मॉल एम, 2 को उधर ले जाए, और बच्चों देखो कितनी अच्छी चीज बन गई है, 2 gm/r आ गया। ये gm कहीं देखा देखा नहीं लगता आपको? कल कुछ कर रहे थे हम इसके बारे में डिस्कशन, जीएम को कल आप कुछ कर रहे थे, अमेंडमेंट आप कर रहे थे। हाँ जी, नहीं, इसको किसी के साथ हम रिलेट कर रहे थे। एनीवन फ्रॉम योर साइड? नहीं। और डियर चिल्ड्रन, कल हमने ये नहीं किया था, आप बड़ी जल्दी देखो आप भूल जाते हैं। इस आर स्केयर को इधर ले आइए, जी आर स्केयर जी एम नहीं आ गया,
आया ना। सो बच्चों, आप इस जीएन की जगह पर ये वैल्यू इसकी लिख सकते हो। लिख दें, क्या कहते हो? लिख देना चाहिए ना। एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर बन गया जी 2 GR का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। एक R आपका कट गया, एस्केप वेलोसिटी आ गया 2 GR अंडर दी रूट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया, ठीक है। और इसको देखें तो आपके अर्थ का मास जरूर आ रहा है यहाँ पे। इसको भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। एस्केप वेलोसिटी आपके पास 2 GM/R के स्क्वायर रूट के बराबर भी तो है, इसको भी तो नहीं इग्नोर कर सकते हम। इन दोनों को देखो अगर आप, तो आपके पास ये कहीं भी नहीं आया कि आप ऑब्जेक्ट का मास इन्वॉल्व कर रहे हो। कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, दैट इज इररिस्पेक्टिव। कोई चीज का मास कम है या ज्यादा है, दैट हैज नथिंग टू डू विद दैट। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके मेडिकल एंट्रेंस में एंड अदरवाइज भी। अब तो पूछा जाएगा आप, क्योंकि अब आपका सिस्टम ही ऐसा है। वो कहते हैं जी आपका अर्थ का सरफेस है जहां पे हम बैठे हुए हैं, हमें बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। वर्टिकली आपने अपवर्ड इसको प्रोजेक्ट कर दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, आपका ये सैटेलाइट बन गया, ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर गया। वो कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसे नहीं किया, ये वर्टिकल है, हमने इसको 45 के एंगल पे किया। व्हाट शुड बी द एस्केप वेलोसिटी इन दिस केस? अगर आप इसको सीधा प्रोजेक्ट नहीं करते, किसी एंगल पे कर देते हो, तो हमारी एस्केप वेलोसिटी बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी बेटे, इसमें एंगल आया ही नहीं है। ये बहुत बार पूछते हैं आपके एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में स्पेशली। वो कह देते हैं कि एक रॉकेट है जी, उसको वैसे तो रॉकेट्स को श्रीहरिकोटा नाम जगह है इधर आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च करते हैं। वहां पे अर्थ के रोटेशन का थोड़ा सा उसको बेनिफिट हो जाता है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ना, जब ऐसे ट्विस्ट होता है ना, तो उसका बेनिफिट होता है उसको। वहां पे कुछ उन्होंने ऐसे सेटिंग इसीलिए की हुई है। आप उस बात को छोड़ दीजिए। वो कहेंगे कि रॉकेट को ऐसे नहीं लॉन्च किया, 60 डिग्री के एंगल पे कर दिया, 30 पे कर दिया, 45 पे कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी, वो आपको कॉस थीटा की वो वैल्यू डाल के लिख देंगे साथ में, कि 11.2 × cos 30 की वैल्यू लिख देंगे। तो कई बार हम फंस भी जाते हैं, गलती भी कर जाते हैं। तो एंगल इन्वॉल्व नहीं है, चाहे आप इसको ऐसे करो चाहे किसी एंगल पे करो, आपका वेलोसिटी इतना ही रहेगा। ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरी बात। ये आपके प्लेनेट के मास पे डिपेंडेंट है, प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंडेंट है, प्लेनेट की ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। जितना ग्रेविटी होगा ज्यादा आपके प्लेनेट का, उतना ज्यादा आपको एस्केप स्पीड देना पड़ेगा। इसीलिए सन की एस्केप वेलोसिटी 816 किलोमीटर पर सेकेंड है, क्योंकि उसका रेडियस बहुत बड़ा है, मास बहुत बड़ा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, डेंसिटी में भी एक करूंगा मैं, एक मिनट देखिएगा। आई कैन अमेंड दिस एक्सप्रेशन स्टिल फर्दर, लेट अस कंटिन्यू विद अवर डिस्कशन। डियर चिल्ड्रन, आप लोग जानते हैं डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हुआ करती है बच्चों, और बेटे मास आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। हम अपनी अर्थ को बेटा अपने कैलकुलेशन पर्पजेस के लिए स्फेरिकल बॉडी मान लेते हैं, तो आपका मास ऑफ द अर्थ बन जाएगा रो इंटू 4/3, ऐसे आ जाएगा जी, वैभव एंड वंश आ जाएगा। तो ऐसे कर दें, मास की वैल्यू पुट कर दें, तो देनी चाहिए। सो एस्केप वेलोसिटी जो है 2G/4/3 πr³ एंड कोई रह तो नहीं गई टर्म, कैपिटल आर, ये ऐसे ही चेक करिएगा, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, ये आपके पास बन गया, इसकी वेलोसिटी बन गई 2408 πg r² / 3 ऑल अंडर द रूट।
इस एक्सप्रेशन, और वो रह गया देखा, ये रह गया, ये इस पे डिपेंडेंट है, इसमें मास नहीं आया। आप देखो मास की जगह क्या आ गया, डेंसिटी आ गई। अगर आपका प्लेनेट, आपका जिस जगह से आप लॉन्च कर रहे हो सैटेलाइट वगैरह, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको इसके वेलोसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी, सो दैट आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट में इसके द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। अदरवाइज बेटा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो भी जरा समझ लीजिएगा। किसकी, अर्थ की डेंसिटी निकाली तो थी हमने, बिल्कुल पहले भी नहीं निकाली थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी वेलोसिटी आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, अगर कम है तो कम रखोगे। एक बेटे आप मान लीजिए आपका अर्थ है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपने अर्थ की सरफेस पे एक बहुत बड़ा टावर बना दिया, बहुत बड़ा टावर जो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं उनसे भी ऊंचा, ठीक है, और आप चले गए यहां पे, राइट, आपने यहां से एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, वो यहां गिर जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा स्पीडली थ्रो किया, ये आपका यहां पहुंच गया, आपने और जोर से थ्रो कर दिया, ये आपका हो सकता है यहां गिर जाए, और आपने और ज्यादा स्पीड दे दी इसको इनिशियल, तो ये कोशिश कर रहा है गिर जाए पर गिर नहीं रहा, ये आपके अर्थ का सैटेलाइट बन गया। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग द सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फिस ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से ये सैटेलाइट बन जाए, ये समझने का तरीका है, अदरवाइज ऐसे नहीं करते हम रॉकेट की हेल्प के साथ इसको छोड़ते हैं। सो ये बेटे आपका प्रिंसिपल टू लॉन्च ए सैटेलाइट एट द बैकग्राउंड है, बैक एंड है, इस एक्सप्रेशन को नहीं भूलना कभी भी, और आपका जो एस्केप वेलोसिटी है 2gr, इसको नहीं भूलना, gm वाले को नहीं भूलना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भूलनी। और देखो अब आपको ऐसा तो पेपर उन्होंने डेरिवेशन तो आनी नहीं है, इन चीजों के बेसिस पे वो कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछेंगे, एंगल वगैरह। हाँ जी ठीक है जी बेटे, सो इनका ध्यान रखिएगा, बाकी फिर कल करते हैं। थैंक यू ऑल बेटा।